बंजारन बहू कमला एक बहुत स्वार्थी उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मारा है, अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार बुखार नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा। समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब, कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो, अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही ही होती है कि वैभव वहां आता है। फुलवा उसे कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता, बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई, ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूँ आप ही बताओ,
माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आंख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ ससमा, मैंने माम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससुमा? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससुमा? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव वैभव जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया। ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही, ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है, चुपचाप पेन दे दे। नहीं तो, पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को ले आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता।
आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहां से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को मां की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती।